नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 में अजय सिंह आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। रोजाना की तरीके आपके साथ मैं उपस्थित हूं मार्केट में। किस तरीके से बीते दिनों में आप लोगों को मालूम है कि होली की वजह से बाजार की छुट्टी रही है, तो उसका इंपैक्ट बाजारों में किस तरीके से लोहे बाजार में कामकाज हुआ है, साथ ही खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हुआ है, मेटल बाजार में किस तरीके से कामकाज हुआ है, सारी जानकारी आप लोगों को विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और मॉर्निंग 9:30 अगर आप सोमवार शुक्रवार हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप जाइएगा और वहां पर आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के साथ जैसे कि ये 9:30 का जो शो है, किस तरीके से बाजार में कामकाज होगा आपको जानकारी दे देते हैं। तो खाद तेल बाजारों से सबसे बड़ी खबर, खाद तेल बाजारों में आपको जैसे कि मालूम है कि जो जयपुर में सेमिनार हुआ था उसका क्या इंपैक्ट आया, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। और जो भी आपके क्वेश्चन, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो एनएम व्यू में आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, और आपको जो लिंक दिया हुआ है उसमें भी जाके अपने क्वेश्चन आप वहां पर जाके आप अपनी जानकारी प्रॉपर रूप से आप वहां से ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। अगर खाद तेल बाजारों की बात करी जाए तो लगातार बाजारों में प्रेशर का माहौल बना हुआ है। बाजारों में देखा जा रहा था कि जिस हिसाब से जयपुर में सेमिनार हो रहा है उसका इंपैक्ट क्या आना है। जयपुर सेमिनार में लगभग 115 लाख टन सरसों का जो उत्पादन की जो खबर आई है कि इस साल जो आने वाली है 115 लाख टन, तो उसका इंपैक्ट आप बाजारों में देखेंगे। जो सरसों के भाव में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है उसकी वजह से खाद तेल बाजारों में पूरा बाजारों में गिरावट के साथ ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। खाद तेल बाजारों में आप सोया ऑयल का भाव देखेंगे तो 110 रुपए के नीचे बाजारों में केजी का भाव हो गया। अगर पोर्ट की बात करेंगे तो पोर्ट में कांडला पोर्ट पे 108 रुपए की बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है। अगर पामोलिन की बात करेंगे तो पामोलिन का भाव भी 98 रुपए बाजारों में देखा गया। केएलसी में भी काफी उतार चढ़ाव देखा गया। केएलसी में आपने देखा मलेशिया एमपीओबी मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की बाजारों में जो रिपोर्ट आई थी आपने देखा होगा कि वहां पर ही बाजारों में लगातार 4000 रिंगिट केएलसी जाने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। अगर ऊपरी स्तर से आप देखेंगे 200 रिंगिट की केएलसी में करेक्शन होगा तो बाजारों में आप और भी बाजारों में गिरावट देख के चल सकते हैं। इसी तरीके से आप देख के चलेंगे मस्टर्ड ऑयल का भाव 107 रुपए। अगर आप जयपुर लाइन का देखेंगे, जयपुर लाइन का 107 रुपए बाजारों में कामकाज हो गया। जयपुर लाइन से आप बाजारों में देखेंगे कि जयपुर लाइन का जो भाव है 100 रुपए के नीचे होने की संभावना बाजारों में समझ में आ रही है, बाजारों में समझ में आ रही है। बाजार और भी बाजारों में यहां से नीचे जा सकता है जिस हिसाब से सरसों का इंपैक्ट बाजारों में साफ साफ बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। चलिए बात करेंगे, अब आपको बताएंगे किस तरीके से बाजारों में भाव रह सकता है आगे आने वाले समय में। जो आंकड़े आए हुए हैं मस्टर्ड के आंकड़े आए हुए हैं, मस्टर्ड को अगर देखेंगे, अगर सरकार ने जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया और ड्यूटी वगैरह अगर इसमें ड्यूटी नहीं लगाई तो आगे आने वाले समय में देखेंगे बाजार में और भी पैनिक की स्थिति उत्पन्न होगी और किसानों को एमएसपी के नीचे भी भाव मिलने की संभावना बाजारों में व्यक्त करी जाएगी। तो आगे आप देख के चल सकते हैं बाजारों में, आप और भी बाजारों में मंदा आपको बाजारों में दिखाई दे के चल सकता है। इसी के तहत आप देखेंगे कि बाजारों में जो मार्केट का जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो मार्केट का जो आउटलुक दिखाई दे रहा है कि बाजारों में किस तरीके से आप खाद तेल बाजारों में कामकाज हो सकता है, तो खाद तेल बाजारों में जो भी खरीदारी करनी है अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी करिए, बहुत ज्यादा खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। अभी जब तक मार्केट का सेंटीमेंट है आप देखेंगे कि मार्च महीने में बाजारों में गिरावट आएगी। लेवल ऑलरेडी आपको दे दिए, नियर अबाउट आपको 105 रुपए के 105 से 103 रुपए के आसपास में आपको जो एक्सक्लूसिव वीडियो दिया था वहां पर आप खरीदारी मस्टर्ड में आप थोड़ी थोड़ी आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पाम में खरीदारी करनी है तो 95 रुपए के आसपास आप करिए। आप पोर्ट की अगर बात करेंगे तो पोर्ट का भाव भी 94 रुपए के आसपास होना चाहिए। सबसे ज्यादा मार आपको राइस ऑयल में पड़ती हुई नजर आएगी। राइस ऑयल का जो बाजार है, राइस ऑयल में आप जो बाजार आपने देखा है 84 से 85 रुपए का भाव हो गया। अगर मस्टर्ड ऑयल के बाजार में गिरावट आती है तो आप देखेंगे राइस ऑयल में बाजारों में आपको गिरावट बाजारों में साफ साफ दिखाई देगी। राइस ऑयल का भाव 80 रुपए के नीचे भी बाजारों में दिखाई देखा जा सकता है, तो इसका इंपैक्ट भी आपको बाजारों में देखने के लिए साफ साफ मिलेगा। तो सारा आपको मार्केट का एक ट्रेंड आउटलुक बता दिया। अब आपको सनफ्लावर ऑयल के बारे में बताए थे, सनफ्लावर ऑयल की अगर बात करेंगे तो सनफ्लावर ऑयल में भी दबाव देखा जाएगा। 1100 रुपए के आसपास बाजारों में आप खरीदारी का मन बना सकते हैं। मूंगफली के तेल की अगर बात करेंगे 1570 से 1580 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए। अगर कॉटन रिफाइंड की बात करेंगे तो नियर अबाउट आप 1040 से 1030 रुपए के आसपास से आप थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदारी करेंगे। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी खरीदारी करने की अभी फिलहाल मार्केट का बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। सोयाबीन सीड की बात कर लेते हैं, सोयाबीन सीड की क्या स्थिति है। सोयाबीन सीड में भी बाजारों में दबाव देखा जाएगा। सोयाबीन सीड में भी यहां से 200-300 रुपए बाजारों में और भी आप गिरावट देख के चल सकते हैं। मस्टर्ड सीड की बात करेंगे तो जयपुर लाइन में मस्टर्ड सीड 5700 रुपए के आसपास जो बाजार हो गया था वहां पर से आप दबाव देखेंगे और बाजारों में आप देख के चल सकते हैं। लगभग अगर जिस हिसाब सरसों का आंकड़ा आया तो बाजारों में आप 5200 से 5300 रुपए जो प्लांटों के भाव हैं, जयपुर प्लांट का भाव, ये बाजारों में यहां तक आप बाजारों में गिरावट देख के चल सकते हैं। चलिए बात करेंगे मक्के का बाजार किस तरीके से रहेगा। अगर अन्य एग्री कमोडिटी में बात करेंगे तो आप मक्के के बाजार में आप देख के चल सकते हैं कि मक्के के बाजार में स्थिरता रहेगी, बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखी जाएगी।
इसी तरीके से ग्वार गम ग्वार सीड में आप देख के चल सकते हैं, ग्वार गम ग्वार सीड में आप गिरावट पे खरीदारी करिए, धनिया में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, टीएमसी के बाजार में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये सारा आपको आउटलुक हमने आपको ऑलरेडी खाद तेल बाजारों का बता दिया है, खाद तेल बाजारों में किस तरीके से आप जो हफ्ता शुरू हो रहा है बाजारों में किस तरीके से आज के दिन बाजारों में आप कामकाज करेंगे सारी जानकारी विस्तार से बता दी। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, लोहे में किस तरीके से कामकाज होगा। लोहे इंगट में बीते दिनों में देखा कि 49,800 से 900 रुपए के आसपास बाजारों में जाने के बाद 49,000 से 800 से 900 रुपए बाजार गया और वहां से बाजारों में दबाव देखा गया और बाजार में आपने देखा 49,300 रुपए, बाजार में 500 रुपए की गिरावट बाजारों में देखी गई। तो आगे आने वाले समय में भी आप देख के चल सकते हैं बाजारों में हल्का फुल्का आप थोड़ा सा प्रेशर बाजारों में देख के चल सकते हैं, बाजारों में एक आपको दबाव देखा जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लोहे का बाजार कहीं पर करेक्ट होकर आता है, जिस हिसाब से अमेरिकी बाजारों में देखा जा रहा है कि लगातार विदेशी बाजारों में ग्लोबल बाजारों में लगातार तेजी बनी हुई है, उसका इंपैक्ट आपको लोहे बाजार में देखने को मिलेगा। 48,500 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है, 48,500 रुपए के हिसाब से आप इंगट पे खरीदारी करिए। जो बीते दिनों में बाजार जो बंद हुआ 49,300 रुपए बंद हुआ, पुराने लोहे की अगर बात करेंगे तो 38,500 रुपए बाजार होता हुआ पुराना लोहे का बाजार बंद हुआ। अगर सरिया की बाजार बात कर लेते हैं, मंडी गोविंदगढ़ सरिया का जो बाजार रहा 54,200 रुपए हो गया, तो बाजार में अगर 53,500 रुपए के आसपास आता है तो बाजारों में आप खरीदारी करिए। लेवल अच्छे हैं, पैनिक करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाजार में लोहे में कहीं करेक्शन आता है तो वहां पर आप खरीदारी करके चलिए। चलिए सेकंड पार्ट पे अब आते हैं, लास्ट थर्ड पार्ट में किस तरीके से मेटल में काज कर चल सकते हैं। तो मेटल बाजार में आप बात करेंगे, कॉपर के बाजारों में आप देखेंगे, कॉपर के बाजारों में हल्की सी दबाव देखा गया, लेकिन कॉपर में जो दबाव आया उसका मुख्य कारण था डॉलर इंडेक्स। लगातार जो अमेरिका के बाजारों में देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड बढ़ती जा रही है, जो 104 बॉन्ड यील्ड थी 105 पॉइंट आप देखेंगे 5.60 हो गई है, तो उसका इंपैक्ट भी बाजारों में देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, इसकी वजह से मेटल में दबाव देखा गया था। और मेटल में आप हल्का फुल्का अगर कहीं पर दबाव आता है तो कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, जिंक में आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। मार्केट का ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड पॉजिटिव है, बाजारों में बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करेंगे क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल में भी आप गिरावट पर खरीदारी करके चलिए, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। सोने चांदी में आप लोगों को ऑलरेडी बताया था 55,000 रुपए के आसपास खरीदारी करिए, 55,000 से एक जबरदस्त उछाल आया और बाजार में आपने देखा 56,000 के ऊपर बाजारों में ट्रेड होता हुआ बाजारों में नजर आ रहा है। तो जिन लोगों ने खरीदारी करी थी एक बार प्रॉफिट बुक करिए। और इसी तरीके से आपसे अगर बात करेंगे, आपको अगर सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर भी आपने देखा 61,300 जाने के बाद 63,000 रुपए बाजार हो गया, तो बाजारों में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना। जिन लोगों ने खरीदारी करी निचले स्तर से ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली करिए और समय समय पर अपनी प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे तो आप क्वेश्चन में वहां पर NMU पे जाके और लिंक पे जाके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पर आपको प्रॉपर जवाब मिल जाएगा। जिन लोगों को व्हाट्सएप पे सवाल जवाब पूछ रहे हैं तो व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को प्रॉपर जवाब मिल जाएगा। एक बार से फिर से ब्रीफ कर देते हैं किस तरीके से बाजारों में आप कामकाज करके बाजारों में चल सकते हैं। लोहा बाजार में गिरावट आती है, पैनिक नहीं करना है, गिरावट पर खरीदारी करिए। खाद तेल बाजारों में सिर्फ जरूरत के अनुसार खरीदेंगे, खाद तेल बाजारों में अभी जो है सरकार अगर कोई निर्णय नहीं लेगी तो बाजारों में आप और भी गिरावट देखेंगे, और भी आप बाजारों में पैनिक देख के चल सकते हैं। सबसे ज्यादा मार मस्टर्ड ऑयल में पड़ेगी, तो मस्टर्ड ऑयल के चक्कर में राइस ऑयल में भी आप बाजारों में गिरावट देख के चल सकते हैं। पाम ऑयल में बहुत ज्यादा मंदा नहीं है, लेकिन सोया ऑयल में मंदा आपको जरूर दिखाई देगा। तो ये आपको बता दिया खाद तेल बाजारों में, मेटल बाजार में आप गिरावट पर खरीदारी करिए, मेटल बाजार में कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, जिंक में आप फिजिकल बाजार में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको दे दी है किस हिसाब से आप बाजारों में कामकाज करना है, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं, विस्तार से जानकारी दे दी है। इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन आंसर रहता है तो आप चैनल में नीचे लिंक में आप जाके वहां पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ इसी तरीके से मॉर्निंग सेशन में, आप हमारे साथ जुड़े रहिए 9:30 लाइव सोमवार शुक्रवार न्यूज मार्केट 24 को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, कम से कम नुकसान करिए, और ट्रेड करने से पहले अपने एडवाइजर ट्रेडर ब्रोकर से सलाह जरूर लीजिए। न्यूज मार्केट 24 सिर्फ यहां पर जो भी आपको जानकारी देते हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आपको जानकारी दी जाती है। तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।